इसी तरह इसकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास है, द क्लास नंबर ऑफ ए फील्ड इज फाइनाइट। किसी भी फील्ड का जो क्लास नंबर होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा। ये एक रिजल्ट भी है। और इसमें फाइनाइट होने का क्या मतलब है कि उसमें जस्ट फाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर लाजमी होगा। जिस तरह हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी, किसी का क्लास नंबर 2 था, किसी का क्लास नंबर 4 था। तो अब ये जनरलाइज बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपके पास फील्ड है तो उसका क्लास नंबर जो है वो फाइनाइट होगा, क्लास नंबर फाइनाइट होगा। अगर आप बताएं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फील्ड की थी जिसका क्लास नंबर फाइनाइट था, याद है किसी को? हमने कहा था इफ के इज इक्वल टू आर, आर क्या होती है, फील्ड होती है कि नहीं होती? उसके था। तो उसका जो एज था वो 1 था, ए स्टैंड्स फॉर क्लास नंबर। तो ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल थी। अब हमारे पास अगर कोई भी फील्ड होती है तो उसका क्लास नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमने, अच्छा किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था उस दिन, शायद कोई लेक्चर था, कि हमने आर को 0 और 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है ये ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं और इन पे ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं, इसलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल हो, नॉन ट्रिवियल के लिए हम चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी पैटर्न पे, इफ द फील्ड इज आर, तो उसके लिए हमने कहा था कि उसका क्लास नंबर 1 होता है एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। जब वो 1 है इट मींस वो फाइनाइट है, तो हमारे पास तो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं रह गया। तो हम ये कहते हैं इफ के इज नॉट आर, अगर के जो है वो आर नहीं है, रियल नंबर्स नहीं है, इट इज इनफ टू शो दैट इन ईच क्लास ऑफ आइडियल्स देयर इज एन आइडियल बी। कि हर क्लास ऑफ आइडियल्स में किस तरह के आइडियल्स होते थे, एक हमने फिक्स आइडियल ले लेना है, उसके इक्विवेलेंट जितने भी आइडियल्स आते हैं उनको हमने उनके डिफरेंट क्लासेस बना लेनी है, और उन आइडियल्स के क्लासेस को काउंट करके जो है वो हमारे पास उसका क्लास नंबर आ जाता है, या फिर आइडियल क्लासेस इस तरह से आ जाती हैं। ईच क्लास ऑफ आइडियल्स देर इज एन आइडियल बी सच दैट, कोई भी अगर आपके पास आइडियल्स की डिफरेंट क्लासेस हैं तो एक आइडियल बी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी नॉर्म अगर आप कैलकुलेट करें तो वो लेस देन डी मॉड स्क्वेयर रूट आना चाहिए। ठीक है, ये डी क्या है हमारे पास, के इज इक्वल टू क्यू ऑफ डी स्क्वेयर रूट, ये हमने डी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और उसके स्क्वेयर रूट से छोटी उसकी नॉर्म आ जाती है तो हमारा जो है वो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, मींस इसकी एक अपर बाउंड हमने एस्टेब्लिश कर दी है। कोई भी अगर हमारे पास आइडियल होगा उसकी नॉर्म अगर फाइनाइट आ जाएगी तो इट मींस हर आइडियल की नॉर्म फाइनाइट है, तो क्लास नंबर क्या होता है, उसकी आइडियल क्लासेस होती हैं तो वो सारी भी फाइनाइट होंगी। फॉर द नॉर्म बी स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल होगी, अगर हम इसका स्क्वेयर कर देते हैं तो ये लेस देन है। अब ये देखें अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी अगर आप स्क्वेयर कर दें, इस साइड पे भी स्क्वेयर कर दें, इस साइड पे भी स्क्वेयर कर दें, दरमियान में साइन, ये लेस देन का है, इट मींस जो नॉर्म बी स्क्वेयर होगी वो लेस देन डी मॉड होगी। डी मॉड से लेस होने का क्या मतलब है कि इक्वालिटी की साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, इट मींस वो डी मॉड माइनस वन, या फिर डी मॉड माइनस वन होगी या फिर उससे छोटी होगी। There are only finite number of ideals of given norm. हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी given norm है या फिर एक result है, ये अगर कोई given norm है तो उसके जो ideals होते हैं वो हमेशा finite होते हैं। There are only a finite number of ideals of given norm. Okay. Next हम देखते हैं, let a class be given and let C be an ideal in it. Choose A so that AC is principal. C हमारे पास कोई भी आइडियल है तो हमने A एक ऐसा चूज करना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल बन जाए, मीन्स अगर आइडियल को किसी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एट द एंड प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, आपको पता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, या फिर सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने का क्या मतलब है कि वो किसी, अगर आप स्पेसिफिक केस लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो 1 से जनरेट होता है। तो AC जो है वो इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा। हमने कहा था कि अगर
किसी का क्लास नंबर वन है तो उसके सारे के सारे आइडियल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ए को, ए एक आइडियल है, उसको ऐसे सी से मल्टीप्लाई करवाया है जिससे, सॉरी सी एक आइडियल था, उसको हमने ऐसे ए से मल्टीप्लाई करवाया कि वो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। अगर वो प्रिंसिपल आइडियल है तो उसको हमने सपोज कर लिया कि वो वन से जनरेट होता है और हमने इसको इक्विवेलेंट टू वन कह दिया। इक्विवेलेंट आइडियल्स की डेफिनेशन हमने की हुई है, वन जो है वो ट्रिवियल आइडियल्स में आता है। नाउ यूजिंग प्रीवियस थ्योरम वी कैन फाइंड अल्फा नॉन जीरो इन ए सो दैट नॉर्म अल्फा जो है वो हमारे पास लेस देन नॉर्म ए हो। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं कि हम एक ऐसा नॉन जीरो अल्फा आइडियल में फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी जो नॉर्म है, अल्फा की जो नॉर्म है वो ए की नॉर्म से छोटी होगी। अब देखिए ए एक आइडियल है, अगर पूरे के पूरे आइडियल की हम नॉर्म फाइंड आउट करें या फिर उसके किसी एलिमेंट के नॉर्म फाइंड आउट करें तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एलिमेंट की नॉर्म जो है वो लेस देन आइडियल की नॉर्म होगी। तो यही वाली इसकी स्टेटमेंट है कि अल्फा उसका एक एलिमेंट है, उसकी हमने नॉर्म फाइंड आउट की तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उस पूरे आइडियल की नॉर्म से छोटी आ गई। लेस देन नॉर्म ऑफ ए इंटू डी मॉड स्क्वायर रूट, ये एक रिजल्ट की ये पूरी स्टेटमेंट है, ये डी मॉड स्क्वायर रूट जो है ये इसके साथ आएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, ये वाला जो डी मॉड स्क्वायर रूट है ये इसके साथ आएगा। सिंस ए जो है वो हमारे पास अल्फा को डिवाइड करता है, ए जो है हमारे पास अल्फा को डिवाइड करता है, क्योंकि हमने कहा अल्फा क्या है, उसका कोई एलिमेंट है, इसका मतलब अल्फा से जो भी जनरेट होगा सेट वो छोटा होगा, और हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था जो छोटा होता है जो बड़े वाला है उसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है अल्फा जो है कोई ए इन्वॉल्व होगा, ये हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए टाइम्स बी आ गया, बी फॉर सम आइडियल बी, क्योंकि हम आइडियल्स की डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए डिवीजन में भी जो भी क्वेश्चन वगैरह इन्वॉल्व होगा वो भी कोई आइडियल ही होगा। नॉर्म अल्फा जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा मॉड आ जाती है दोनों तरफ, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ हमने नॉर्म अप्लाई कर दी तो इसकी नॉर्म जो है, नॉर्म अल्फा जो है वो इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए बी आ जाएगी। हमने ये पढ़ा था कि नॉर्म हमेशा मल्टीप्लीकेटिव होती है, इट मीन्स हमें इन दोनों नॉर्म्स को सेपरेट कर लिया हमने, सो दैट नॉर्म ए इंटू नॉर्म बी जो है वो हमारे पास लेस देन नॉर्म ऑफ ए, ये वाली हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, लेस देन नॉर्म ऑफ ए इंटू डी, ये जो नॉर्म अल्फा है वो हमारे पास इससे कम थी, इससे छोटी थी, इट मीन्स ये पूरी चीज जो है ये भी इससे लेस होगी, नॉर्म ऑफ ए इंटू डी मॉड स्क्वायर रूट। तो नॉर्म ऑफ ए जो है वो कोई एक पॉजिटिव नंबर है, आपको पता है किसी भी नंबर की जो नॉर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इट मीन्स ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिसकी नॉर्म जो है वो इससे छोटी है। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ ए और नॉर्म ऑफ ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बी लेस देन डी मॉड्स के रूट, यही हमने शो करना था। इट रिमेन्स ओनली टू शो दैट बी इज इक्विवेलेंट टू सी, बट ए बी जो है वो हमारे पास वन के इक्विवेलेंट है, ए बी जो है वो अल्फा से जनरेट हो रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, इसका पर्टिकुलर केस हम इसको वन भी कह सकते हैं, वन से जनरेट हो रहा है, और ए सी जो है वो भी वन के इक्विवेलेंट है, सो दैट ए बी इज इक्विवेलेंट टू ए सी। अब देखें जब ए बी और ए सी आपस में इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो ए को अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो बी इज इक्विवेलेंट टू सी। तो ये जस्ट हमने प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की है और हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द क्लास नंबर ऑफ क्यू ऑफ आई। क्यू ऑफ आई क्या होता है, गॉशियन इंटीजर्स होते हैं, इनका हमने क्लास नंबर फाइंड आउट करना है। लेट के इज इक्वल टू क्यू ऑफ आई का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एओटा है, दैट इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर रूट, माइनस वन स्क्वायर रूट, तो आई की जगह पे माइनस वन स्क्वायर रूट भी हम लिख सकते हैं। क्लास नंबर इसका फाइंड आउट करने का क्या वे होता है कि इसको जो एओटा है उसको हम 0.1 भी लिखते हैं। अगर n जो है वो हमारे पास r प्लस 2s के इक्वल हो तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होती है उसका जो है वो हमारे पास n 2 होता है और s 0 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास n इज इक्वल टू 2 आ गया बाय मिनकोस्की बाउंड। मिनकोस्की बाउंड हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी जो कि थी हमारे पास म्यू के इज इक्वल टू 4 ओवर पाई एस एन फैक्टोरियल ओवर एन पावर एन इंटू डेल के मॉड स्क्वायर रूट। अब ये कहाँ से आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस वन है तो ये किसके कॉन्ग्रेंट है, मॉड फोर की अगर हम बात करें
तो प्लस फोर इसमें ऐड करें दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू थ्री, और अगर ये थ्री के कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फोर टाइम्स डी आ जाता है। डी हमारे पास माइनस वन है तो वो फोर टाइम्स माइनस वन आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस फोर। ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने मिनकोस्की बाउंड में यूज करना है, इसलिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। सो म्यू के हमारे पास इसकी इक्वल आ गई, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, दैट इज लेस देन टू। सिंस देयर इज नो प्राइम लेस देन टू, सो ओनली पॉसिबल आइडियल क्लास इज ट्रिवियल आइडियल क्लास, दैट इज वन। आपको पता है टू से छोटा कोई भी प्राइम नहीं होता, तो इसलिए ट्रिवियल आइडियल क्लास वन आ गई, तो इसका क्लास नंबर हमारे पास वन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, ओके, इफ ए इज एन आइडियल इन के, अगर ए जो है वो हमारे पास के में आइडियल हो एंड एच इज द क्लास नंबर ऑफ के, के हमारे पास कोई भी नंबर फील्ड है उसमें एक आइडियल है जिसको हमने ए कह दिया, इफ ए इज एन आइडियल इन के, के हमारे पास कोई भी नंबर फील्ड है, ए उसका जो है वो आइडियल है, ए हमारे पास आइडियल है और एच इज द क्लास नंबर ऑफ के। आपको पता है आइडियल का ही क्लास नंबर होता है, इसका जो क्लास नंबर है वो हमारे पास एच है। अगर हम इसकी पावर एच कर दें, आइडियल की पावर एच कर दें, तो वो कहता है ये हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होगा। ए पहले तो आइडियल था सिंपल, अगर हम उसकी क्लास नंबर जो भी उसका क्लास नंबर हमारे पास आया, अगर उसकी एक्सपोनेंट में वो क्लास नंबर रख दें, मीन्स उसकी पावर एच कर दें, तो वो वाला आइडियल, उससे जो जनरेट होने वाला आइडियल होगा वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो इसको देखते हैं, हम प्रूफ देखते हैं। If A is equal to zero, अगर trivial ideal हो जाता है, it means इसकी कोई भी power लेंगे दोनों तरफ, अगर आप H इसकी power लें, A power H is equal to zero power H, zero की कोई भी power लेंगे तो वो zero ही रहता है, it means ये zero से generate होने वाला ideal है and result trivially holds, जो कि principal ideal ही होता है, इसलिए वो कह रहा है कि result trivially hold करता है, हमें कुछ भी proof करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है, सपोज दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब हम ये शो कर सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो नॉन ट्रिवियल है, इट मींस वो जीरो नहीं है। चूज अ सेट ऑफ आइडियल्स, हमने डिफरेंट आइडियल्स चूज किए ए वन से लेके ए एच तक, फ्रॉम ईच क्लास इन के, के जो हमारे पास नंबर फील्ड है उसकी डिफरेंट क्लासेस बनी थी, उसकी सपोज पहली क्लास में से हमने ए वन आइडियल चूज कर लिया, दूसरी क्लास में से ए टू आइडियल चूज कर लिया, उसका क्लास नंबर चूंकि एच है, इट मींस उसकी जो आइडियल क्लासेस हैं वो भी एच होंगी, तो लास्ट वाली क्लास का हमने जो जो सबस्क्रिप्ट रखा हुआ है वो एच है। इन सब में से हमने एक एक आइडियल चूज कर लिया ताकि हमें पता लग सके क्या है ये हर क्लास के हर आइडियल के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। देन फिर हमने क्या किया कि जो ए आइडियल था, इस पूरी पूरे एलिमेंट्स को जो है वो इससे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉल इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। अब देखें जब ये हमने डिफरेंट क्लासेस से चूज किया, डिफरेंट आइडियल क्लासेस से हमने ए वन ए टू ए एच चूज किया, इट मीन्स जब हम उनको किसी ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपको पता है जो हम आइडियल लेते हैं वो उसको अगर हम किसी भी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो वो आइडियल से बिलोंग करती है। अब देखें फॉर ये जो है ये क्लासेस हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगी, हम ये कह लेते हैं कि कोई से दो एलिमेंट्स हमने डिफरेंट लिए हैं जिनके लिए ए, इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स लिए हैं जो कि आपस में इक्विलेंट हैं, ए ए आई जो है वो इक्विलेंट है ए ए जे के, अब ए और ए दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, देन ए आई इज इक्विलेंट टू ए जे। इसका मतलब है कोई भी आर्बिट्रेरी ए आई जो है वो ए जे के इक्विलेंट है, ये सारे ए आईज हैं, इट मींस ये सारे के सारे ए आईज जो हैं ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एच, ये किसके इक्विलेंट आएंगे, वो हमारे पास जब ए जे के इक्विलेंट है और ए जे जो है वो हमारे पास ए इंटू ए जे की प्लेस पे है, तो इट मींस ये किसके इक्विलेंट आएंगे, ए इंटू ए वन एंड सो ऑन ए इंटू ए एच।
ठीक है, ये सारे आपस में क्या हो गए, इक्विलेंट हो गए। अब इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इन सबको ये कितने टाइम्स है, लास्ट का जो एलिमेंट का जो नंबर है वो ए एच है, इसका मतलब है इनके साथ जो ए आ रहे हैं वो हमारे पास एच टाइम्स आएंगे। तो हमने सब में से ए कॉमन लेके स्टार्ट में लिख दिया ए पावर एच, बाकी सारे टर्म्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे सेम है तो वो आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट हो गई। अब राइट साइड पे तो ये ए पावर एच हमारे पास रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वन रहेगा तो ए पावर एच इज इक्विवेलेंट टू वन, हेंस ए पावर एच इज प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल किस तरह से आया, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू वन है, इट मीन्स ट्रिवियल आइडियल है, वन से जनरेट होने वाला है, और जो कि सिंगल एलिमेंट होता है, वन सिंगल एलिमेंट है, इसलिए ये प्रिंसिपल हो गया, यही हमने शो करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ पी इज अ रैशनल प्राइम, अगर पी रैशनल प्राइम है और पी एच को डिवाइड नहीं करता, पी अगर रैशनल प्राइम है और पी जो है वो क्लास नंबर एच को डिवाइड नहीं करता, एंड ए पावर पी जो है वो इज इक्विवेलेंट टू बी पावर पी हो, तो ए जो है वो भी बी के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो आइडियल्स हमने लिए हैं ए और बी, उनका क्लास नंबर हमारे पास एच है, कोई ऐसा प्राइम हमने लेना है जो एच को डिवाइड ना करे, मीन्स अगर हमारे पास एच टू है तो हम पी को टू नहीं रख सकते, हमने क्या थ्री रख सकते हैं, थ्री एक ऐसा प्राइम है जो कि टू के डिवाइड नहीं करता, कोई ऐसा प्राइम लेना है जो कि क्लास नंबर को डिवाइड ना करे। फिर अगर हम उस आइडियल की जो है वो पावर पी ले लेते हैं जो कि इक्विवेलेंट हो b पावर p के, इट मीन्स जो आइडियल्स हैं विदाउट पावर भी अगर हम देखें तो वो तब भी आपस में इक्विवेलेंट ही होंगे। इसका प्रूफ हम देखते हैं, सिंस a पावर p इज इक्विवेलेंट टू b पावर p, देन जब ये इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमने अप्लाई की, ये दो नॉन जीरो इंटीजर्स हमारे पास इन्वॉल्व हुए अल्फा और बीटा, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट आ गई, सिंस p एंड h आर रिलेटिवली प्राइम, जब पी एच को डिवाइड नहीं करता है, इट मीन्स दोनों का जीसीडी हमेशा क्या होगा, वन होगा, वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर एंड एस। और जीसीडी से रिलेटेड हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी हमारे पास डी है तो आर और एस दो ऐसे नंबर्स, दो ऐसे इंटीजर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए आर प्लस बी एस इज इक्वल टू डी आ जाए। तो अब इन दोनों एच पी और एच का जीसीडी आपस में वन था, तो इट मीन्स हम आर और एस दो इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी आर प्लस एच एस इज इक्वल टू वन हो जाए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी पावर जो है वो आर ले ली, इसकी पावर भी आर ले ली, दोनों इस पूरी इक्वेशन की पावर हमने क्या ली, आर ले ली, तो अल्फा की पावर अलग से आर हो गई, बीटा की पावर अलग से आर होगी, ए की पावर जो है वो पी आर है। पी आर को अगर हम देखें, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि हमने तो कहा था कि जो जीसीडी है वो दो एलिमेंट्स के, दो इंटीजर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया है। अब देखें आर और एस हमने कोई भी इंटीजर्स लेने थे तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर आप बाहर प्लस ही रखना चाहते हैं तो हमने, हम क्या कर सकते हैं, पी आर प्लस एच माइनस एस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं और हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है, जब हमने इसकी पावर ली है, ये पी आर हो गया, ये भी पी आर हो गया, अब इस इक्वेशन में से हम पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू वन प्लस एच एस, तो यहाँ पे भी हमने 1 प्लस एच एस रिप्लेस कर दिया, वहां यहाँ पे भी 1 प्लस एच एस रिप्लेस कर दिया। अब जो एक ए है दोनों में से वो हमने सेपरेट कर लिया और बाकी की पावर एच एस आ गई, और सेम इसी पैटर्न पे हमने राइट साइड पे भी कर लिया। सेम इसी पैटर्न पे हमने राइट साइड पे भी कर लिया, तो यहाँ पे अल्फा पावर आर है और ए पावर एच एच एस है और साथ में हमारे पास ए है और बी है, बट ए पावर एच एंड बी पावर एच जो है वो आर प्रिंसिपल। हमने ये कहा था कि अगर एच जो है वो उसका क्लास नंबर है, उसकी अगर हम पावर ले लेते हैं तो वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, उसी रिजल्ट को, प्रीवियस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि ए पावर एच और बी पावर एच जो है वो दोनों प्रिंसिपल हैं बाय प्रीवियस क्रॉलरी, हेंस सो आर अल्फा पावर आर इंटू ए एच पावर एस एंड बी बीटा पावर आर इंटू बी पावर एच एस। इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल्स ही होंगे और ये आपस में क्या आ जाते हैं, इक्विवेलेंट आ जाते हैं।
ये खैर हमने डेफिनेशंस यूज करते हुए और प्रीवियस रिजल्ट्स यूज करते हुए इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको रिजल्ट्स की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए. नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, यूक्लिडियन डोमेन इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. जो यूक्लिडियन डोमेन जो है वो एक ऐसी डोमेन होती है जिसपे दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं. ये हमें ये बेसिकली कम्यूटेटिव रिंग होती है जो इंटेग्रल डोमेन प्लस सर्टन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन कहलाती है. ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे. आपके लिए क्या बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी यूक्लिडियन डोमेन होती है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, या फिर इसको PID भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. एंड हैंस इट इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन. जो PID होती है वो क्या होती है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है. PID प्रिंसिपल यूक्लिडियन डोमेन, इसको हम ये कह सकते हैं ED से इसको जाहिर कर सकते हैं. यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है. इट मीन्स हर यूक्लिडियन डोमेन जो है वो भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी. ये लास्ट है हमारे पास. क्लास नंबर इज इक्वल टू 1 सिंस एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज अ PID. अभी हमने देखा सो ऑल क्यू ऑफ एम स्क्वेयर रूट या फिर क्यू ऑफ डी स्क्वेयर रूट जो है वो हमारे पास क्या होंगी, के इज इक्वल टू क्यू ऑफ डी स्क्वेयर रूट आर यूक्लिडियन. ये सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा यूक्लिडियन होंगे. क्वाड्रेटिक फील्ड्स जो है वो जितनी भी हैं वो हमेशा यूक्लिडियन होंगी और हर यूक्लिडियन जो है वो PIDs होती हैं. आल्सो H इज इक्वल टू 1 फॉर द PIDs. जो भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी उसका जो क्लास नंबर है वो हमेशा 1 होगा. देयरफॉर H इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल Q ऑफ D स्क्वायर रूट या फिर M स्क्वायर रूट. M की जो वैल्यूज है वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं. विद M इज इक्वल टू -7 चाहे हम रख लें, -3 रख लें, इन वैल्यूज के लिए जो है इसका जो क्लास नंबर है Q ऑफ एम स्क्वायर रूट का जो क्लास नंबर है वो भी 1 होगा. किन वैल्यूज के लिए, -11, -7, -3 या फिर इनमें से कोई भी वैल्यूज होंगी तो इनका भी क्लास नंबर हमारे पास हमेशा 1 होगा. कोई क्वेश्चन है तो पूछें.